एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। आज हमें गो ग्रीन बैग्स की तरफ से कुछ गिफ्ट मिले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो ये गिफ्ट्स मैं आपको दिखाना चाहती थी। वैसे ये बॉक्स मैं पहले ही ओपन कर चुकी हूँ क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड थी कि मैं वीडियो बनाने तक रुक नहीं पाई। और अभी ये देखिए, मैं इसे आपको दोबारा ओपन करके दिखा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया और फ्रेश अडेनियम के कुछ पौधे हमारे लिए भेजे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये है RCN। मैं वीडियो के बीच में इनके लिए कुछ पिक्चर्स डालूंगी सो दैट आप देख सकें कि बड़े होने पर कितने खूबसूरत दिखते हैं। ये RCN है, मैं इसे साइड में रख देती हूँ। देन हमें यहाँ पे मिला है ये BHXGE, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और बड़े साइज़ के ये पौधे हैं और रेडी हैं बिल्कुल उगने के लिए। ये थोड़े दिन पुराने हैं, मैंने उगा नहीं पाई तो ये ऐसे दिख रहे हैं, वरना वो जब भी पौधे भेजते हैं इतने फ्रेश रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे अपरूट करके डायरेक्ट भेज दिया गया हो। उसके बाद हमारे पास है ये BHXBMK। ये देखिए रूट स्टॉक, देखिए ये देखिए इसकी हेल्थ है, देखिए बहुत ही बढ़िया पौधा हमारे पास है। देन वी हैव दिस, तो आप कमेंट करके बताएं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये बी सोको है या बोस्को है। तो ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्यूट सा छोटा सा, और ये देखिए ये उगने भी लगा है, तो इसे अभी हम लगाने वाले हैं। और बॉक्स को हटा देती हूँ, तो ये देखिए बहुत ही फ्रेश हेल्दी चार अडेनियम मुझे भेजे गए हैं। मैं पहले अडेनियम्स की फ़ैन नहीं थी, पर जैसे जैसे मैं इनके बारे में जितना ज़्यादा जानकारी जमा करती गई, मुझे ये और ज़्यादा बेहतरीन लगने लगे। स्पेशली इनका जो स्ट्रक्चर होता है कि नीचे से ये जो बोनसाई जैसे दिखते हैं, तो इसके लिए ये मुझे बहुत ही क्यूट लगे। इनमें जो छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं पूरे गुच्छे में, तो अगर आपके पास छोटा कंटेनर गार्डन है, छोटा बालकनी गार्डन है, तो इस तरह के छोटे 5 इंच 6 इंच 4 इंच के जो छोटे पॉट्स होते हैं, आप उनमें इन्हें लगा सकते हैं और इनमें फिर भी फूल आएंगे और इनको बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो अभी मैं अलग अलग तरह की सॉइल मिक्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तो आप इनमें से कोई भी सॉइल मिक्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें सैंड और मिट्टी मिली है और बहुत ही कम मात्रा में खाद है। इसमें बहुत ही पुरानी खाद है, ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी खाद है, तो इसकी न्यूट्रिशन भी बहुत ही कम बची और इसमें सैंड भी मिला हुआ है। उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सैंड है और इसमें है बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके गार्डन सॉइल और थोड़ा सा ईंटा का चूरा भी इसमें मिला हुआ है। तो इस तरह के 4-5 तरह की मिट्टी, ये सारी मिट्टी आप अडेनियम के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं ये चारों मिट्टी आपको दिखा रही हूँ। वैसे मैं ये चारों मिट्टी मिक्स कर दूँगी और देन उसमें ये अडेनियम लगाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको मेरे पुराने लगाए हुए अडेनियम को भी दिखाऊंगी, जो अभी उन्होंने ही भेजा था पिछली बार, जिसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई थी और अभी उनमें फ्लावर आने लगे थे बीच में। आज जाके देखूंगी कि फूल अभी भी खिले हुए हैं या नहीं खिले हुए हैं, लेकिन वो दिख बहुत अच्छा रहा था लास्ट टाइम जब मैंने उसे देखा था, तो अपनी वीडियो में मैं उसे भी कवर करूँगी। तो कैसे लगी आपको ये अडेनियम? अगर आपको इस तरह के कुछ बड़े मोटे रूट स्टॉक वाले बेहतरीन क्वालिटी के अडेनियम किसी जेन्युइन सेलर से चाहिए, तो स्क्रीन पे आप नंबर देख पा रहे हैं, वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू अभिषेक जी, जो आपने मुझे ये बढ़िया अडेनियम भेजा, और रियली मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो कुछ मैंने पहले लगा रखे थे वो कैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने सारे अडेनियम्स को लगा दिया है यहाँ पे देख सकते हैं उसी सॉइल में। और एक ख़ास बात का मैंने इसमें ध्यान रखा है कि इसका जो कॉर्डेक्स है वो मिट्टी के नीचे ना आए। यहाँ से ये वाइट कलर शुरू हो रहा है, उसके पहले ही मैंने मिट्टी को दबा दिया। इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा दबा हुआ दिख रहा है, तो मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा सा खींच करके ऊपर कर सकती हूँ, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि इसको पूरा नहीं दबाना है, क्योंकि ये हिस्सा अगर आपका पानी से टच होता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपके अडेनियम रॉट हो जाए। साथ ही मैंने इनमें नर्सरी पॉट्स का यूज़ किया है, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, इन नर्सरी पॉट्स में इतने ज़्यादा होल्स होते हैं कि इनमें पानी ठहरने का कोई चांस ही नहीं होता। और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि जितना मोटा इसका तना है उससे डबल साइज़ का मैंने पॉट लिया, बहुत ज़्यादा चौड़ा पॉट भी मैंने नहीं लिया है। और इन छोटे वाले के लिए हो सका तो छोटा पॉट ही लेना है आपको, सो दैट कम से कम पानी इसमें बैठे, क्योंकि इसका नाम डेजर्ट रोज़ है, नाम से ही आप समझ सकते हैं ये गर्म इलाकों में रहने वाले पौधे हैं, तो इन्हें ज़्यादा ठंडक और ज़्यादा गीलापन या मिट्टी बहुत सौगी हो वो अच्छा नहीं लगता। आप एक बार पानी डालिए, फिर जब तक मिट्टी सूख नहीं जाती आपको वेट करना है, क्योंकि इसके तनों में बहुत सारा पानी होता है।
ये ऑलरेडी अपने लिए पानी बचा के रखते हैं, तो आप बार बार पानी डालेंगे तो ये नीचे से सड़ने लगेंगे, और जब ये पूरे सड़ जाएंगे तब जाके कहीं आपको पता चलेगा कि ये ख़राब हो रहे हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन अभी तो मैंने देखिए आज ही उगाया है, फिर भी आप देख सकते हैं कि इसमें नई नई शूट्स दिखाई देने लगी है, तो ये बहुत जल्दी बढ़ने लगेंगे। तो कैसा लगा आपको ये छोटे छोटे एडेनियम के पौधे, और आप कौन से उगा रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं। ये देखिए ये लास्ट टाइम मैंने जो उगाया था वो वाला है, और आप देख सकते हैं इसका कॉडेक्स कितना मोटा हो गया है, और ये देखिए ये बोनसाई की तरह दिख रहा है। एक और है जिसमें हमने दो को एक साथ उगाया है, ये वाला, और इसमें अभी फूल भी आ रहे हैं, तो ये इसमें दो एक साथ उगे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट मेरे सारे एडेनियम्स की, क्योंकि इनमें आने लगी हैं पत्तियाँ और ये बहुत ही हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। लेट में ग्रो करने के कारण इनमें से एक जो एडेनियम था उसका नीचे ख़राब होने लगा था, जिसे मैंने चॉप चॉप करके फिर से लगाया, और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि वो कौन सा है, मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा और पता नहीं चल रहा है, मे बी वो ये वाला था। बट आप इसमें भी देख सकते हैं कि पत्तियाँ कितनी बढ़िया तरीके से बढ़ रही हैं। सो ड्राई सिचुएशन पे जो एडेनियम है बहुत अच्छा ग्रोथ शो करते हैं, तो इसको आपको लगाते वक्त छोटे गमले एंड जो भी बातें मैंने वीडियो में बताई हैं उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो थैंक यू अभिषेक जी, एंड आई एम सॉरी ये वीडियो पोस्ट करने में इतना लेट हो गया। आई वॉज़ वेटिंग फॉर एक्चुअली अपडेट कि मैं सबको दिखा सकूँ कि ये जो पत्तियाँ हैं वो छोटी छोटी जब आना शुरू होती हैं तो कैसे दिखती हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इनके बारे में बताऊँगी तो इनमें फूल आ रहा होगा तब आपको शो करूँगी। कुछ एडेनियम है जिनमें फूल आ भी रहे हैं और वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, तो उनको भी मैं कुछ वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगी। अभी आप हेल्दी ग्रोथ देखिए और मेरे साथ खुश होइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम, बाय।